हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्टडी। ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की ओर से जो आप लोगों के टेक्नीशियन की रिक्रूटमेंट चल रही है, इसका जो नेक्स्ट प्रोसेस था आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, वो कंप्लीट हो चुका है। एंड जो आप लोगों का मेडिकल है वो भी सक्सेसफुली कंडक्ट करवा लिया गया था। अब आप लोग वेट कर रहे हैं कि इसकी ज्वाइनिंग कब तक होगी और जो आप लोगों का DV हुआ है, DV का जो फाइनल रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है। बार बार आप लोग कमेंट करके पूछ रहे थे, कॉल भी आ रही थी आप लोगों की, सर इसका जो कोर्ट केस की जो हियरिंग थी 12 मार्च की, उसकी क्या अपडेट है। तो ये 12 मार्च की कोर्ट केस की जो हियरिंग है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ये आप लोग का डिसीजन है, आप लोग जानते हैं ये जो कोर्ट केस है ये आप लोग का लोअर कोर्ट में चल रहा है, लोअर कोर्ट में। तो इसमें जो आप लोग की डिटेल है, जो पेटिशनर थे वो तो आप लोग को पता ही है, विकास जी थे जो जिन्होंने ये केस के लिए पेटिशन डाली थी। उसके बाद ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च में जो आप लोगों की टेक्नीशियन की रिक्रूटमेंट थी ग्रुप सी की, उसी के रिगार्डिंग ये पेटिशन डाली गई थी। और इसकी जो हियरिंग है वो मैं आप लोगों के साथ बता देता हूँ, इसकी जो कोर्ट केस वगैरह तो है, इसमें डिटेल है। तो ये आप लोगों की जो इससे पहले जो हियरिंग हुई थी आप लोगों की, ये आप लोगों की फोर्थ नंबर का कोर्ट था, हियरिंग डेट थी आप लोगों की 21 फरवरी। उसके बाद जो आप लोगों की 12 मार्च को जो हियरिंग होनी थी उसको एडजन कर दिया गया था, पेंडिंग डाल दिया गया था। उसके बाद जो 12 मार्च की हियरिंग हुई तो उसमें जो आप लोगों का जो स्टेटस रखा गया है, रिजर्व रखा गया है, ऑर्डर जो दिया गया है, डिसीजन निकल कर आया, रिजर्व रखा गया है। रिजर्व का मतलब यह है कि अब आप लोगों का जो डिसीजन है, एक दो दिन में इसका डिसीजन आ जाएगा, मे बी एक हफ्ते के अंदर, हफ्ते या 7-8 से लेकर के 10 दिन के अंदर इसका जो फाइनल डिसीजन है वो आ जाएगा। कोई भी नेक्स्ट हियरिंग की डेट नहीं मिली है, ये सबसे बड़ी न्यूज़ है आप लोगों के लिए। नहीं तो क्या होता, अगर यहाँ पर आप लोगों को नेक्स्ट हियरिंग की डेट मिलती तो यहाँ पर शो हो जाती कि इसकी नेक्स्ट हियरिंग क्या होगी। तो अब जो हियरिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है, फाइनल डिसीजन बाकी है। अब इन्होंने ऑर्डर जो है रिजर्व रख लिया है, डिसीजन आप लोगों का 10 दिन के अंदर आ जाएगा। और जैसे ही आपका डिसीजन आ जाएगा उसके बाद डिपेंड करता है ICAR पर, वो इसका रिजल्ट कितने दिन में देता है, हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में या एक दो दिन में, वो डिपेंड करेगा ICAR के बाद। लेकिन रिजल्ट तभी आएगा जब फाइनल डिसीजन डिक्लेयर कर दिया जाएगा, जो आ ही जाएगा आप लोगों का, क्योंकि अब नेक्स्ट हियरिंग तो होने वाली नहीं है। तो ये आप लोगों की 12 मार्च की जो कोर्ट केस की अपडेट थी। बार बार आप लोग पूछ रहे थे कि क्या अपडेट है, कब तक इसकी हियरिंग कंप्लीट होगी, कब इसकी ज्वाइनिंग होगी। तो ये अपडेट है आप लोगों की कि ऑर्डर आप लोगों का रिजर्व है, 7-8 दिन या 10 दिन में भी, 4-5 दिन, कभी भी 10-15 दिन के अंदर आप लोगों का फाइनल डिसीजन आ जाएगा। उसके बाद आप लोगों का ICAR के ऊपर है, वो रिजल्ट कितने दिन में देता है, 2-4 दिन 10 दिन, वो डिपेंड करेगा ICAR पर। पर ये फाइनल हो चुका है कि आप लोगों का जो रिजल्ट है अब ICAR का आ जाएगा। रिजल्ट के बाद आप लोग की जो ज्वाइनिंग का प्रोसेस है वो आप लोग के रेस्पेक्टिव जितने भी इंस्टीट्यूट है, जो आप लोगों ने काउंसलिंग के टाइम भरे हैं, उनके द्वारा कंप्लीट करवाए जाएंगे। तो उसमें ज़्यादा समय नहीं मिलने वाला है। तो जो भी आप लोगों को इंस्टीट्यूट अलॉट होगा वही आप लोगों की जो बाकी की जो प्रोसेसिंग है, आप लोगों की ज्वाइनिंग से रिलेटेड जितनी भी हैं ऑफिशियलिटी, वो आप लोगों का वो रेस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट ही करेगा। तो ये आप लोगों का ज्वाइनिंग के लिए था। बाकी आप लोग बोल रहे थे कि इसमें क्या वेटिंग लिस्ट आती है, तो वेटिंग लिस्ट नहीं कह सकते हम लोग। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 802 वैकेंसी है, और 802 वैकेंसी पर जितने भी कैंडिडेट को आप लोगों का DV कंडक्ट करवाया गया, अप्रोक्स 1200 कितने हैं, तो उन कैंडिडेट में क्या होगा कि पहले ये 802 कैंडिडेट को ले लेंगे, और 802 के बाद जो भी सीट वैकेंट रह जाएंगी उसके बाद जो रिमेनिंग कैंडिडेट बचेंगे आप लोगों के, उनमें से बुला लेंगे। तो इसे भी कह सकते हैं आप लोग एक तरीके की वेटिंग लिस्ट है, जो 1200-1300 जो कैंडिडेट पास किए इन्होंने DV कराया जिनका, तो उन्हीं में से सेलेक्ट किए जाएंगे, जो सीट वैकेंट रहेंगी उनमें से बुलाते रहेंगे, फिर सीट वैकेंट रहेगी फिर उनको बुला लेंगे। तो इस तरीके से वैकेंसी कंप्लीट करवाई जाएगी। तो बाकी जो जो मेंस वाले कैंडिडेट थे, लगभग कितने थे, 3700 के आसपास जिन्होंने मेंस दिया था, तो वो तो बाहर हो चुके हैं। तो जो भी 1200-1300 के आसपास है जो DV के लिए बुलाए गए हैं, उन्हीं में से 802 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा फॉर फाइनल सिलेक्शन। तो ये वेटिंग लिस्ट था, ज्वाइनिंग भी बता दी मैंने कब तक हो सकती है, तो वो डिपेंड करेगा ICAR पर। तो मानकर चलिए आप लोग मार्च या मार्च में ही आप लोगों की ज्वाइनिंग भी हो सकता है, कंप्लीट करवा ली जाए। और हियरिंग मैंने बता दी है, ये आप लोगों के कंप्लीट हो चुकी है। तो ये ICAR की अपडेट थी। आप लोग बार बार पूछ रहे थे कि कोई अपडेट दीजिए, इस अपडेट को मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप हाई स्टडी में प्रोवाइड करवा दूंगा, वहाँ से जाकर के भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। आई होप आप लोग को अपडेट पसंद आई होगी, और अगर हाई स्टडी चैनल की ओर से दी गई अपडेट पसंद आती है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन रख लीजिए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।